हेलो स्टूडेंट्स हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ स्वागत है आप सभी का शाम बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर में तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के बेहतरीन सेशन की एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा तो स्टार्टिंग करेंगे आज के सेशन की प्यारी सी दो तीन लाइनों के साथ इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं ठीक है सीट तो उतनी ही है लिमिटेड ही है लेकिन वो मिलेंगे किसको जो आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे आखिरी दम मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक अगर आप कर रहे हैं तैयारी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी की तो आपके लिए एग्जाम को लेकर आया है अपने बुक्स का सेल एमेज पर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन के साथ चार से पांच नवंबर मतलब आज और कल के लिए आपको यूपीएसआई के नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं आठ सौ निन्यानवे में यूपी कांस्टेबल के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं पांच सौ निन्यानवे के और एस एस के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं पांच सौ निन्यानवे के तो आप किसी भी नोट्स को परचेज करने के लिए एमेजॉन वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन पर जाकर टाइप करना एग्जाम्पुल यूपीएसआई नोट एस एस नोट्स मिल जाएगा कैश ऑन डिलीवरी करके आप इसको परचेज कर सकते हो तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के एस एस रीजनिंग के टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन को लेकर तो मैं आई हूं पच्चीस क्वेश्चन देखते हैं जितना हो पाएगा टोटली totally जीडी के अंदर बीस क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में चालीस नंबर की रीजनिंग होती है प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर का होता है और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है एसएससी जीडी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन दिया हुआ है न्याय व निगम से रिलेटेड सिलॉक का क्वेश्चन है स्टेटमेंट कंक्लूजन बताना है कौन सा निष्कर्ष कथन के हिसाब से सही दे रखा है करिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर वन के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा करिए और बताइए सभी चमकादड़ काले हैं कुछ काले पंख हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा सभी चमकादड़ पंख हैं कुछ पंख काले हैं जरा इसका आंसर बनाया जाए आ जाओ सभी चमकादड़ काले हैं चमकादड़ वाले गोले का सारा का सारा हिस्सा काले के अंदर आ जाएगा फिर कुछ काले पंख हैं काले वाले गोले का कुछ हिस्सा पंख वाले गोले में आ जाएगा अब चलते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ पहले वाला चेक करते हैं सभी चमकादड़ पंख है कि सारे के कि सारे चमकादड़ पंख में नजर आ रहे हैं तू यहां मैं वहां दूरिया ही दूरिया भैया चमकादड़ अलग है पंख अलग है तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता सेकेंड चेक करो कुछ पंख काले क्या पंख वाले गोले का कुछ हिस्सा काले में है बिल्कुल है यहां पे केवल और केवल सेकंड वाला निष्कर्ष करेक्ट होगा ओनली सेकंड केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ये रहा पढ़िए और बताइए क्वेश्चन दिया हुआ है दोबारा से कथन व निष्कर्ष का पढ़ना है बताना है इस रेस्टोरेंट में अब ये समझने वाला है डायग्राम नहीं इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड सोर सूप मिलता है इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता है इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप दुनिया का सबसे अच्छा सूप है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करियर बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है हाँ जी क्लास डेली होती है डेली शाम छह बजे होती है ऑन टाइम आया करो मैम क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा है हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए चलो मैं करती हूं इसको साफ डोंट वरी क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है तो फिर बाकी के आंसर कैसे कर रहे हैं भाई ये कह रहा क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है तो बाकी के कैसे आंसर कर रहे हैं क्लियर नहीं होगा वो भी क्लियर हो जाएगा दो मिनट उठ जाओ आ जाओ इस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा हॉट एंड शोर सूप मिलता है भाई अन्य रेस्टोरेंट में भी सूप मिलता होगा बिल्कुल तभी तो बोला जा रहा है है ना मैं अगर बोलूं कि इस दुकान पे अच्छा सबसे अच्छा पेन मिलता है मतलब और भी दुकानों पे पेन मिलता होगा ठीक है रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप पूरी दुनिया का अच्छा सूप है दुनिया से कंपैरिजन नहीं कर सकते जब भी निष्कर्ष में कंपैरिजन होगा वो गलत माना जाएगा ठीक है यहां पे केवल और केवल पहले वाला ही निष्कर्ष अनुसरण करेगा ओनली वन केवल पहले वाला सही है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर आगे आ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड को करो मैं इतना थोड़ा सा बोर्ड की क्लियरिटी अच्छी करती हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड को करिएगा कुछ खरगोश बिल्ली हैं सभी बिल्ली पपीते हैं कौन सा निष्कर्ष करेक्ट होगा सभी पपीते बिल्लियां हैं कुछ खरगोश पपीते हैं करो इस क्वेश्चन को बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है ठीक है क्वालिटी बढ़ाओ फिर दिखेगा हाँ जी रुक जाओ भी कर रहे हैं हम रुक जाओ क्वेश्चन तो करो जित थोड़ा सा कोशिश करो करने की मैं बढ़ाती हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कुछ खरगोश बिल्लियां हैं सभी बिल्लियां पपीते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा पहले निकाल देते हैं पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं इसका ठीक है कुछ खरगोश बिल्ली हैं खरगोश वाले गोले का कुछ हिस्सा बिल्ली वाले गोले में आ जाएगा कुछ बोला है तो कुछ ही हिस्सा लाना आगे सभी बिल्ली पपीते हैं सारी की सारी बिल्लियां पपीते हो जाएंगी पपीता अच्छा होता है खाना चाहिए पेट साफ होने के लिए बड़ा बढ़िया है आ जाओ आ गया इसने पहला निष्कर्ष दिया, सभी पपीते बिल्ली सारे के सारे पपीते बिल्ली होंगी क्या बड़े वाला गोला अंदर वाले गोले में समा सकता है सारा ई ना हो सके ना कुछ पपीते बिल्ली हो सकते हैं सभी नहीं हो सकते आगे कुछ खरगोश पपीते है? क्या खरगोश वाले गोले का कुछ हिस्सा पपीते में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है अगेन केवल और केवल दूसरे वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा ऑनली सेकेंड फॉलो ऑप्शन डी विल राइट आंसर होगा ठीक तो है बढ़िया बढ़िया है अभी तो खैर क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे आपको बताना है तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है सब्जियां शिमला मिर्च और सेम वेजिटेबल्स कैप्सिकम बीन तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा डी 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 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है अरे मैं मैराथन लेने जा रही हूँ रुक जाओ उसमें मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे मैराथन आप लोगों की होगी छ नवंबर को सुबह नौ बजे ठीक है जरूर देखना दस सौ क्वेश्चन होंगे उसमें आ, रीजनिंग के रहने वाले हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर एक बच्चे ने लिखा था क्लास में आने से पहले कि मैम कंप्यूटर ऑपरेटर जो एग्जाम है उसमें अस्सी क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के आप करवा देना मैं एक बार प्रॉपर सिलेबस उसका देख लेती हूँ डेफिनेटली तो मैं उसको कवर करवा लूंगी ठीक है फिक्र मत करना जाओ। शिमला मिर्च सेम कैसे बनाया जाए देखो शिमला मिर्च अलग है, सेम, अलग है, दोनों किसके अंदर आती है वेजिटेबल के अंदर आती है शिमला मिर्च सारी की सारी वेजिटेबल है बीन्स सारी की सारी वेजिटेबल है शिमला मिर्च बीन्स अलग अलग होंगी आएंगी दोनों वेजिटेबल के अंदर ऑप्शन बी विल राइट आंसर है ना बचपन में हमें लगता था कि बीन्स क्यों खाते हैं नहीं मम्मी पापा खाते हैं तो सेम की सब्जी हो गई और कौन कौन सी साग हो गया नहीं जब तो थोड़े बड़े होते तो पता चलता है कि ये सब्जियां खानी चाहिए जरूरी होती हरी वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स ग्रीन आ क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से श्रृंखला का अगला अक्षरा पद कौन सा होगा क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है फटाफट से करो क्या हो गए बच्चा कहा इतना बड़ा बड़ा कॉपी पेस्ट कर रहे हो अरे मुकेश जी अभी रीजनिंग पढ़ लो जीके जीएस जी एस एक की बुक परचेज की थी आ, 28 सितंबर को अभी तक नहीं आई है मैम चार पांच दिन में मिल जाएगी कहते हैं 36 दिन हो गए अब क्या करना चाहिए अभय जी मैं आपको देखो एक बात बताती हूँ सॉल्यूशन बताती हूँ ना प्रॉब्लम तो खैर हुई है आपके साथ और भी बच्चों के साथ हुई है आपका सॉल्यूशन मैं ये बताऊंगी अभय जी आप ना नीचे इसी क्लास के नीचे कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रही हूं तो आप बता रहे हो कॉन्टेक्ट नंबर के बारे में ना आप मेरे को नीचे इसी क्लास के नीचे कमेंट कर देना अपनी ईमेल आईडी ठीक है और वो आईडी देना जिसमें मेल आए तो आपको पता चल जाएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है 24 घंटे के अंदर अंदर आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव बताइए इसका आंसर क्या होगा चार दे रखा है चार में तीन को जोड़ा सात तीन को जोड़ा दस तीन को जोड़ा तेरह तीन को जोड़ेंगे आ जाएगा सोलह सोलह दो ऑप्शन में दे रखा है अब पकड़ लो अल्फाबेट को आर आर अठारह पे आता है पी सोलह पे आता है एन चौदह पे माइनस दो कर रखा है अठारह में से दो गया सोलह सोलह में से दो गया चौदह चौदह में से दो गया बारह बारह में से दो गया दस दस पे अल्फाबेट आता है जे सोलह के साथ जे केवल ऑप्शन ए में दे रखा है ए विल बी द राइट आंसर आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर सिक्स आकृति दे रखी है और पूछा क्या गया इस आकृति के अंतर्गत ध्यान से पढ़िए उपयुक्त वैन आरेख में उन छात्रों को दर्शा, दर्शाता है जो एक कक्षा में तीन गेम खेलते हैं एम एन एल खेल एल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एल नाम का गेम खेलते हैं इकतालीस तेईस चालीस अट्ठारह कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर एल खेलने वाले टोटल बच्चों की संख्या पकड़ो ये वाला सर्किल है जो एल को दर्शाता है हमसे ना तो एम की बात करिए ना एन की बाकी को छोड़ो केवल एल पे फोकस रखो ऐसे कितने बच्चे हैं जो एल को खेलते हैं एल वाला गेम एक दे रखा है नंबर जितने भी नंबर है सब गिन लो अठारह प्लस सात दिया हुआ है प्लस छ दिया हुआ है प्लस नौ जितनी संख्या एल वाले गोले में दिखाई दे रही है सबको काउंट कर लेना करो कितना बना रहा है कितना बन जाएगा यहाँ पे सात छह तेरह बन जाएगा तेरह और नौ बाईस बन जाएगा बाईस और आठ तीस दस चालीस बन जाएगा कुल मिलाकर चालीस बच्चे हैं जो एल वाला गेम खेल रहे हैं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर वो व्यक्ति जो एल वाला गेम खेलते हैं तो एल वाले सर्किल में जितनी भी संख्या है सभी को गिन लेना और और अगर आपको इस क्वेश्चन में ये बोला जाता, ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जो एन और एम नहीं खेलते, केवल एल खेलते हैं ओनली एल खेलते हैं तो ओनली वाले के लिए केवल वो संख्या उठाना जो एल में दे रखी है बाकी किसी में ना हो तो अगर आपको दिया होता ओनली एल खेलने वाले तो अट्ठारह आ जाते सारे स्टूडेंट पूछा है तो सारी संख्या जोड़ लेंगे चालीस आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पर ये रहा पढ़िए और बताइए कथन और धारणा लॉजिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है वर्बल नॉन वर्बल और लॉजिकल तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के अंदर ठीक है कथन दिया हुआ है समाचार पत्र के एक कॉलम में शीर्षक ने कहा शीर्षक में कहा गया है हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं अब इससे क्या पूर्व धारणाएं निकलेंगी पूर्व धारणाएं मतलब कथन बोलने से और कौन कौन सी बातें समझ में आती हैं पहला हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित होते हैं समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है इस कथन से दोनों में से कौन सी पूर्व धारणाएं है सही हैं? पहली दूसरी दोनों सही है या दोनों गलत है क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर बनाए अच्छा समाचार पत्र में लिखा हुआ था कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं इसका मतलब हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित होते हैं बिल्कुल सही बात है भाई हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं ठीक है थीके? अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जाकर शेर आया है बाहर है ना कलोनी में घुस गया मुझे जाकर लड़ लेना चाहिए तो आप लड़ लोगे <coughs> सोचोगे कि मुझे बाहर ही नहीं जाना चाहिए तो अंदर रहोगे जैसे विचार होते हैं वैसे ही काम किए जाते हैं ना अगर इंसान सब में पॉजिटिव चीजें देखता है तो वो खुद पॉजिटिव हो जाता है और सब में नेगेटिव चीजें देखता है तो खुद नेगेटिव हो जाता है फिलहाल पहले वाला करेक्ट है दूसरा समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है इसके बारे में मुझे कथन में नहीं दे रखा केवल यह दिया हुआ है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं हमारे और विचारों के बारे में बात हो रही है तो समाचार पत्र श्रेष्ठ है या नहीं है इसके बारे में नहीं बताया जा सकता केवल और केवल पहले वाला ही पूर्ण धारणा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी ओनली वन ओनली फर्स्ट एजम्पन इज इम्प्लिस पहली धारणा अंतर्निहित होगी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर बस एक मिनट रुको क्लियर है भाई समाचार पत्र श्रेष्ठ है नहीं उसके बारे में नहीं बता सकते ना आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट आपके स्क्रीन पर ये रहा ये वाला तो कर दोगे तुरंत जीके जीएस भी कवर करते रहना साथ के साथ ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है एनालॉगी uh, का क्वेश्चन दे रखा है वो भी सामान्य ज्ञान पर आधारित जनरल नॉलेज पर आधारित यदि मेघालय का रिलेशन शिलोंग से है तो बिहार का रिलेशन इन चारों में से किससे होगा हैदराबाद दिसपुर लखनऊ पटना मेघालय बहुत प्यारी खूबसूरत जगह है घूमने के लिए तो जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन घर में सबको लेकर जाना मेघालय का राजधानी कह सकते हो शिलोंग है इसी तरीके से बिहार की हो जाएगी पटना ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर क्लियर है आगे चलें कोहिमा कौन से राज्य की राजधानी है बताओगी कोहिमा कौन से राज्य की राजधानी है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन को ध्यान से देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर नाइन आपको ना तीन टुकड़े दिए हुए हैं इसने चित्र के इन तीनों टुकड़ों को जोड़ के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है तीनों टुकड़े को जोड़ के कौन सी आकृति बनाई जा सकती है बना लो आसान है क्वेश्चन तीनों टुकड़ों को जोड़ के बिल्कुल नागालैंड सही आंसर है ए बी सी बिल्कुल सही है भाई नागालैंड 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 करिए इसका आंसर बताइए फटाफट -फड़ से यहां पे क्या होगा तीनों छोटी छोटी आकृति को जोड़कर कौन सी आकृति बना सकती हूं ऑप्शन डी नहीं बन सकती क्योंकि चलो दो तो ट्राइंगल दे रखा है पर ये बीच वाला मेरे को स्क्वायर तो दिखाई नहीं दे रहा ये तो ट्रेपीजियम वाली शेप है इट्स नॉट पॉसिबल बी वाले में दो ट्राइंगल दे रखा है क्या ये बीच में ये वही आकृति दिखाई दे रही है जो दे रखा है एक ट्राइंगल इस तरीके से है और एक ट्राइंगल इस तरीके से दो ही मान लो और बीच में एक स्क्वायर या छोटा सा साइड अगर मैं ऑप्शन ए को ले लू आ जाओ इधर एक ट्राइंगल इसको मान लेते हैं दो स्क्वायर दे रखे हैं इट्स नॉट पॉसिबल अगर मैं ऐसे ले लेती हूं तो भी आकृति नहीं बन पाएगी एक स्क्वायर और ट्राइंगल है ये कहीं से कहीं तक ट्राइंगल लग ही नहीं रहा है अगर मैंने माना ये स्क्वायर इसने ले लिया और ये ट्राइंगल ले लिया तो ये ट्राइंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल लेना चाहिए था इट्स नॉट पॉसिबल बचा केवल ऑप्शन बी दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं और एक छोटू सा रेक्टेंगल या स्क्वायर दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा इन तीनों आकृतियों को मिलाकर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है बी वाली ये ए कौन बोल रहा है भाई ए कैसे बनेगी को देखो ना आपने सपोज ये ट्राइंगल माना कि मैडम ये ट्राइंगल है मान ली मैंने आपकी बात और ये नीचे स्क्वायर या जो भी है स्क्वायर क्या ये रेक्टेंगल ही दे रखा है छोटा मान लिया पर ये कौन सी आकृति आ गई आप इसको कहां से ढूंढोगे ये तो दे नहीं रखा ना हमें दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल दे रखा है ऐसी आकृति केवल ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रही है बाकी किसी में भी नहीं है जबरदस्ती बना दोगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं बस थोड़ा सा समझने की देरी होती है बाकी आप कर लोगे क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न और तर्क के बारे में आ जाओ देखते हैं आप में से कितने लोग इसका बढ़िया आंसर करते हैं आपके पास लोग आते हैं इकट्ठा होके अपना प्रश्न लेकर आते हैं ठीक है क्या हो गया बच्चा बी बी आंसर होगा बी 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 नहीं होगा बी होगा आ जाओ आ, हम कहां बात करते देखो कहां से कहां पहुंचा लेते हो आप दरोगा आपके पास आते हैं लोग कि भाई हुजूर क्या सरकार को विद्युत चलित वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए अब आपने दो सलाहकार रख रखे हैं एक ने खड़े होके बोला जी इससे विद्युत चलित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी दूसरे ने बोला नहीं लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार ना करके सॉरी उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा ये सुरक्षा होगा सुरखा नहीं होगा उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए अब आप बताओ आप इन दोनों में से किस व्यक्ति के तर्क को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे क्वेश्चन नंबर दस के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है करो जल्दी से एक बार किससे माना जाए पहला सही है दूसरा सही है दोनों सही है या दोनों ही गलत है पहले मैं देखूं आप आंसर करके आ रहे हो पहले वाला सही होगा दूसरे वाला सही होगा ओनली वन होगा ओनली सेकेंड होगा आ जाओ क्या सरकार को शुड द गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू इंक्रीज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए भाई देखो सब्सिडी मिलेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे सब्सिडी नहीं मिलेगी तो लोग कम इस्तेमाल करेंगे तो इससे विद्युत चालित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी बिल्कुल पहले वाला तर्क मजबूत है अगर सब्सिडी दी जाएगी तो इंक्रीमेंट होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री की सेल ज्यादा हो जाएगी नहीं लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार ना करके उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए <coughs> देखो मैं आपको एक बात बताती हूं अगर कोई चीज आपको मिलती है सरकार की तरफ से कुछ कम पैसों में मिलती है तो आप उसको लेते हो अदरवाइज आप खुश हो उतनी चीजों में जितनी आपके पास है ठीक है लोग पेट्रोल की बाइक चलाएंगे लोग डीजल की गाड़ी चलाएं, चलाएंगे चलाएंगे ठीक है बट अगर आपको इलेक्ट्रिक पूरे देश में इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना है तो कुछ ना कुछ तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा अपने आप से तो लोग नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे सही होगा वो केवल ऑप्शन पहला तर्क देना है ना करें या ना करें करें तो क्यों करें ना करें तो क्यों ना करें तो यहां पे तर्क पहले वाला मजबूत होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर क्लियर है गैस में सब्सिडी आई इसलिए लोगों ने कोयले पर या कोयले का इस्तेमाल करना कम कर दिया है ना आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर इलेवन आपके स्क्रीन पर ये आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बताना है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी क्या ये आसान है हां जी बहुत आसान है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति दिखाई देगी करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा पहले एक सर्किल हटाया फिर दूसरा हटाया स्टार आ गया स्क्वायर हटाया दूसरा हटाया सर्किल आ गया अंदर वाला ट्राइंगल हटाया फिर ट्राइंगल हटाया तो अंदर वाला स्क्वायर आ जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा डी वाली आकृति ऑप्शन ए में दे रखी है तो ऑप्शन ए का डी बिल्कुल सही आंसर है ठीक है ऑप्शन ए का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब आ जाते हैं जब क्वेश्चन दिया जाता है प्रश्न और कथन के ऊपर अब ये कैसे होता है समझो चालीस व्यक्तियों की एक पंक्ति में श्री एक्स का स्थान क्या होगा आपको एक क्वेश्चन निकालने के लिए मैंने दे दिया कि बताओ चालीस व्यक्तियों में एक्स का स्थान कौन सा है तो आपको किन किन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला x आगे से 16 या x के आगे 16 व्यक्ति हैं क्या आप इससे आंसर निकाल सकते हो x के पीछे तेईस निकाल सकते हो क्या अकेला एक पर्याप्त है क्या अकेला दो पर्याप्त है अकेला एक से भी निकाला जा सकता है दूसरे से भी या दोनों को मिलाकर निकाला जाएगा बताओ आंसर क्या होगा टाइमर तो दिया ही नहीं चालीस व्यक्तियों की पंक्ति में श्री एक्स का स्थान कौन सा है मुझे एक बात बताओ अगर मुझे पता चल जाए कि एक्स के आगे सोलह व्यक्ति हैं। के आगे सोलह व्यक्ति बैठे हैं तो मैं बता सकती हूँ कि एक्स का स्थान आगे से कौन से रैंक पर होगा सोलह प्लस एक सत्रवे रैंक पे होगा मैं बता दूंगी आगे से अगर मुझे पता चल जाए एक्स के पीछे तेईस व्यक्ति बैठे हुए हैं तो पीछे से एक्स का स्थान चौबीसवा होगा मतलब अकेले पहले वाले से भी आंसर का पता लगाया जा सकता है अकेले दूसरे वाले से भी पता लगाया जा सकता है तो यहां पर दोनों ही सही है या तो आप अकेला पहला कथन ले लो या तो आप अकेला दूसरा कथन ले लो दोनों ही सही दे रखा है क्लियर बना या नहीं बना बताओ पहले भाई या तो आप अकेला पहला कथन ले लो तो भी आंसर आ जाएगा या तो आप अकेला दूसरा कथन ले लो तो भी आंसर आ जाएगा दोनों को लेने की जरूरत नहीं है ना दोनों का मतलब होता है दोनों को मिला के ही आंसर आएगा पर हमारा तो अकेले अकेले भी आ रहा है आइदर वन और सेकेंड पहला वाला भी सही है दूसरा वाला भी सही है ठीक है यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर तेरह आपके स्क्रीन पर ये रहा बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आकृति दिखाई देगी करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति दिखाई देगी दिशाएं अपोजिट कर रखी हैं और कुछ भी नहीं आसान है क्वेश्चन कैसे केवल डायग्राम को देखो तो पता चलेगा पहले आकृति में ये जो सर्किल था ये नीचे साउथ डायरेक्शन में था इसको उल्टा पलट के रख दिया गया अब ये सर्किल वाली आकृति ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में पहली सर्किल वाली आकृति वेस्ट डायरेक्शन में थी अब इसको भी उल्टा पलट के रख देंगे तो अब ये सर्किल वाली आकृति ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगी सर्किल ईस्ट डायरेक्शन में केवल ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है ए भी नहीं राइट आंसर आसान है कर दो आगे आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह पे पढ़िए और बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी चलो अभी तो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बाकी भी है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पढ़िए और बताइए दो सात सत्रह बत्तीस बावन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है दो सात सत्रह बत्तीस बावन क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अस्सी आ जाएगा सेवेंटी नाइन सेवेंटी सेवन सेवेंटी सिक्स और चौदह के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बराबर जा रही है सीरीज दो में पांच को जोड़ा सात दस को जोड़ा सत्रह पंद्रह को जोड़ा बत्तीस बीस को जोड़ा बावन पच्चीस को जोड़ पाँच दो पांच दो सात पांच दो सात सतहत्तर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर आगे आ जाइए नेक्स्ट आई और जे एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं अच्छा आई जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है आई के सापेक्ष जे है ये तो बहुत आसान दे दिया जे का कहना चेहरा कौन सी दिशा में होगा बताओ इसका आंसर क्या आएगा बनाजी दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, बस खत्म यहीं से बात अगर आई का चेहरा है दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में तो जे का इसके जस्ट अपोजिट साउथ का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा आमने सामने खड़े हैं इसका मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी अगर ये साउथ आई साउथ वेस्ट की तरफ खड़ा है तो जस्ट अपोजिट जे नॉर्थ ईस्ट में खड़ा होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर छोटे छोटे थे डायरेक्टली करने थे क्वेश्चन नंबर सोलह कैलकुलेशन करना है केवल इसमें बताइए यदि डॉलर का मतलब प्लस है हैश का मतलब माइनस है एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई है और एस्ट्रिक का मतलब डिवाइड है सॉल्व करिए इक्वेशन को और बताइए इसका आंसर क्या आएगा डॉलर एट एट द रेट तीन हैश इक्यासी मल्टीप्लाई या एस्ट्रिक नाइन लगाओ कैलकुलेशन करना बोर्ड मास का रूल जरूर लगा लेना बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बन गया था पहले वाला सॉरी डी 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 आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है ओके चेक करते हैं भी, रुक जाओ बनाया जाए इसको आ जाओ बनाते पहले ले लो सारी वैल्यू क्या दे रखी है डॉलर का मतलब प्लस का साइन है उन्नीस प्लस के आठ एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई वाला साइन है हैश का मतलब माइनस और का मतलब डिवाइड बोर्ड मास पहले डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सबस्ट्रिक्शन कितना आ जाएगा नौ निम्मा इक्यासी आठ या चौबीस उन्नीस में चौबीस को जोड़ के नौ को घटा दो उन्नीस में से नौ गया दस दस में चौबीस को जोड़ोगे चौंतीस चौंतीस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर चौंतीस ऑप्शन ए इसका सौ प्रतिशत सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सत्रह डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है दिशा में दूरी से और दिशा को रिप्लेस किया हुआ है डायरेक्शन को बदला हुआ है बताओ इसका आंसर क्या हो यदि पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है यदि किसी प्रकार से पश्चिम को वेस्ट को दक्षिण कहा जाता है यदि वेस्ट को साउथ कहा जाता है तो आपको बताना है उसी प्रकार से नॉर्थ को क्या कहा जाएगा उसी प्रकार से उत्तर को क्या कहा जाएगा तो जितने डिग्री वेस्ट को साउथ बनाने के लिए मोड़ा उतने ही डिग्री नॉर्थ को बनाने के लिए मोड़ दो कैसे हमें पता है ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ ये ईस्ट और ये वेस्ट इसने वेस्ट को साउथ बना दिया मतलब 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज तो हम नॉर्थ को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे जब नॉर्थ वाले डायरेक्शन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कौन सी दिशा दिखाई देगी वेस्ट वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम पश्चिम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो जितने डिग्री उसने पहले वाले को मोड़ा उतना डिग्री हम नीचे वाले को मोड़ देंगे ईस्ट कैसे आ रहा है जरा मुझे बता दो सॉरी ईस्ट कैसे आंसर आ रहा है भाई कैसे ला रहे हो ईस्ट वेस्ट hmm? से साउथ में जाओगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहे हो भैया वेस्ट से साउथ में जाना पड़ा तो क्या आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं मोड़ा घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी चलती है ऐसे टिक 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 ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपोजिट कर दो ये होती है घड़ी के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है घड़ी के विपरीत दिशा तो जब आपने इसको 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ा है तो क्या आप नॉर्थ को 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में नहीं मोड़ोगे तो वेस्ट नहीं आएगा ईस्ट आ रहा है अभी भी बताऊं <coughs> सॉरी बस डायरेक्शन ध्यान रखिएगा ठीक है ना डायरेक्शन का खेल है सारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में जब आप वेस्ट से या तो ऐसे याद रखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए या तो आप ऐसे ध्यान रखो कि आप 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज गए या ऐसे ध्यान रखो कि लेफ्ट मुड़े हो तो यहां पे भी लेफ्ट मुड़ जाना खत्म कहानी आगे आ जाओ इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ व्रत कितने दिखाई दे रहे हैं हाउ मेनी सर्किल आर देयर इन द गिवन फिगर दी गई आकृति में सर्किल की संख्या कितनी होगी काउंट करिए और जरा बताइए क्या हो गया ए बी सी करो जल्दी से बताओ फटाफट फड़ से इसका आंसर क्या हो सकता है कितने देखो सर्किल सबसे क्यूट होता है जितने होते हैं उतने ही दिखाता है कोई भी छिपी हुई आकृति नहीं होती इस बेचारे के अंदर एक दो तीन चार पांच टोटल कितने सर्किल होंगे पांच सिंपल जितने उतने दिखेंगे कुछ भी नहीं होता हालांकि पूछता नहीं है ये तो क्योंकि पेपर कौन बना रहे हैं हमारे रिश्तेदार ठीक है तो पेपर आसान नहीं देते आ जाओ आगे एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे काउंटिंग ऑफ फिगर का ये क्वेश्चन दे रही हूं करके बताना हालांकि कर तो आप सभी लोगे फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कल दिया था ना होमवर्क के तौर पे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ऐसे था या ऐसे था मैंने पूछा था बताइए अगर नहीं भी था तो यही मान लो मैंने पूछा था बताइए इस आकृति में टोटल कितने रेक्टेंगल दिखाई देंगे आयत की संख्या आकृति में टोटल कितने रेक्टेंगल दिखाई देंगे टोटल कितने आयत दिखाई दे रहे हैं काउंट करो और बताओ तो कैसे गिना जाएगा इसमें रेक्टेंगल समझना पहले मैंने इसकी बेसिक फिगर ले ली ये बड़े वाली मैंने पहले इसकी बेसिक फिगर ले ली नीले कलर की लाइन जहां खींच रही हूं ये इसकी बेसिक फिगर बेसिक फिगर में कितने आयत होंगे कैसे काउंट किया जाता है तो कितने इसके अंदर रो कॉलम दे रखी है दो कॉलम की संख्या को आपस में जोड़ दो कितनी इसमें रो दे रखी है दो रोकी संख्या को आपस में जोड़ दो और इनकी कर दो मल्टीप्लाई दो में एक को जोड़ोगे तीन दो में एक को जोड़ोगे तीन तीन नौ तो बेसिक फिगर में कितने रेक्टेंगल मिल गए नौ नाइन तो आ गए नीले वाले इसके बाद ब्लू कलर की लाइन हमने काउंट कर ली है यहां पे मुझे बीच में देखो ये तीसरी लाइन है नीले कलर की दो लाइन पहले गिन ली ये तीसरी लाइन है तीसरी लाइन के चक्कर में तीन नए रेक्टेंगल बने होंगे कैसे आ जाओ <Visual in Spanish> एक रेक्टेंगल ये वाला एक एक ये बड़े वाला दो और एक ये सबसे बड़े वाला तीन बन गए तीन रेक्टेंगल ये चौथी लाइन है इसके चक्कर में चार नए रेक्टेंगल बने होंगे कौन कौन से एक ये वाला रेक्टेंगल एक एक ये वाला रेक्टेंगल दो एक आगे वाला ले लो ये वाला रेक्टेंगल तीन और एक यहां से पीछे वाला रेक्टेंगल चार इसके बाद और जगह तो लाइन दिखाई दे नहीं रही फिर मुझे एक लाइन दिखाई दी यहां नीले वाली काउंट कर चुके हैं इस वाले बॉक्स में केवल तीसरी लाइन ही एक्स्ट्रा बनी इसके चक्कर में तीन नए रेक्टेंगल बने होंगे एक नीचे की तरफ बना हुआ है एक ऊपर की तरफ बना हुआ है और एक ये सबसे बड़े वाला ऊपर तीन तो लाइन खींचने के चक्कर में तीन ये वाले रेक्टेंगल बने चार हरी वाले रेक्टेंगल बने और तीन नीचे वाले नए रेक्टेंगल बने कितने एक्स्ट्रा बारह तेरह चौदह पंद्रह क्या हो रहा है चार तीन सात सात तीन दस दस नए रेक्टेंगल बने तो लाइन खींचने के चक्कर में दस नए रेक्टेंगल ये हो गए नौ मुझे बेसिक फिगर से मिले ही हैं कुल मिलाकर इस आकृति में आयत की संख्या या रेक्टेंगल की संख्या नाइन हो जाएगी नाइनटीन सॉरी हंड्रेड परसेंट राइट आंसर ऐसे कितने तेजी से अच्छे से कर सकती थी क्या हो गया इसे और कैसे कर सकती थी तो देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मैंने इसलिए बेसिक बताया पहले समझ लो फिर तो ट्रिक लगाई दू सबसे अच्छा तरीका इसको करने का क्या होता है पहले बेसिक वाली आकृति में रेक्टेंगल की संख्या को काउंट कर लेना कितने होते हैं नौ no. फिर देखो जितनी एक्स्ट्रा लाइन है दो लाइन नीली वाली गिनी गई है ये तीसरी लाइन है तीन नए रेक्टेंगल बनाएगी चौथी लाइन है चार नए रेक्टेंगल बनाएगी इस वाले बॉक्स में दो लाइनें पहले काउंट हो गई है बेसिक में तीसरी लाइन है तीन नए रेक्टेंगल बनाएगी तीन तिया नौ तीन और तीन छह रेक्टेंगल ये हो गए चार ये हो गए टोटल दस हो गए लाइन से नौ बेसिक फिगर में थे कुल मिलाकर उन्नीस आयत होगी खत्म कहानी ऐसे सभी आकृति में कर सकते हो जो इस तरीके की बनती है क्लियर है और अगर सेम क्वेश्चन देके वो आपसे ये पूछ ले कि बताओ ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे सपोज ऐसा भी दे सकता है केवल कितने आयत होंगे केवल तो यहां पे स्क्वायर काउंट नहीं करते जो आपने लाइन से बनाया है मिलकर दस ये तो सेम ही रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन जब आपको क्वेश्चन में केवल आयत काउंट करने के लिए बोला जाता है तो इस बेसिक वाली आकृति में केवल रेक्टेंगल की संख्या या केवल आयत की संख्या कितनी आती है एक रेक्टेंगल ये एक रेक्टेंगल कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड बराबर हो केवल रेक्टेंगल दो तीन चार तो बेसिक वाली आकृति में केवल रेक्टेंगल चार होते हैं तो केवल रेक्टेंगल में केवल बेसिक आकृति में अंतर आएगा बाकी सब सेम रहेगा तो दस हो गए लाइन वाले चार हो गए ओनली वाले तो केवल आयत चौदह आएंगे टोटल तो आयत उन्नीस आएंगे बस आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उन्नीस आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन दे रखा है आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट्स से रिलेटेड पढ़िए बताइए इसका आंसर प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है आपको पैंतीस पैतालीस से पचास सेकेंड का समय करिए बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है करिए जी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 45 से 50 सेकेंड का समय है आपके पास एल एम एन ओ पी पांच मित्र हैं जो एक गोल आकार आकृति में केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे एन अचानक से पी के बाई और बैठ जाता है एल और पी के बीच में बैठता है एम और एल के बीच में कौन बैठा होगा कितने लोग हैं पांच लोग हैं ऐसे बैठाइए ताकि सभी एक दूसरे के आमने सामने आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑड संख्या में लोगों को दे रखा है पांच लोग हैं ना कहीं पर बैठा दो फिक्स पोजिशन ले लो दाए बाएं बाएं दाएं एन अचानक से पी के बाई और बैठा है तो पी के बाई और एन को बैठा लो आगे एल ओ और पी के बीच में है एल ओ और पी एल नाम का व्यक्ति ओ और पी के बीच में बैठा है जो व्यक्ति बच गया बचे कुछ व्यक्ति को बची कुछ जगह दे दो कुछ भी नहीं बेचारे के अंदर पूछ क्या रहा है एम और एल के बीच में चलो अब सही है आवाज हेलो, हेलो 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 वन टू थ्री वन टू थ्री माइक टेस्टिंग आवाज सही है आवाज अरे अब तो आ गई आवाज आ जाओ तो तीन दिन जोड़ना था सैटरडे में तीन दिन जोड़ोगे सैटरडे के बाद क्या आएगा संडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे मतलब मंगलवार ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है आगे आ, आ जाओ एक नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा निकालना जरा सभी आपको मैंने बताया भी था कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट तारीख से यदि दिन पूछा जाए तो आप कैसे निकालते हो टाइम देती हूँ मैं आपको 35 सेकंड का बट आंसर सभी का आना चाहिए एक नवंबर 2020 को कौन सा दिन आएगा बच्चा अब आवाज आ चुकी है डोंट वरी जी मैं मैसेज देखने के बाद ही तो चेंज किया अब क्या चाह रहे हो एक दो मिनट भी ना लेट हो तुरंत तुरंत मैं क्वेश्चन देकर ऐसे देखू कमेंट पे तो एक दो, कुछ तो टाइम का लगता है गैप आ जाओ इधर भाई बताओ इसका आंसर आपको मिलते हैं 45 सेकेंड क्योंकि कुछ बात करने में निकल गया समय क्वेश्चन ट्वेंटी वन का इक्कीस का आंसर इक क्या होगा बताइए जल्दी से एक नवंबर दो हजार बीस कैसे बनाया जाए सबसे पहले ले लीजिए तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख दे रखिए हमें एक नवंबर का कोड कितना होता है महीने का कोड एक सौ चवालीस जीरो पच्चीस जीरो छत्तीस एक सौ छियालीस क्लियर है जब लीप ईयर होता है तो केवल जनवरी फरवरी का कोड चेंज होता है बाकी सबका सेम होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई नवंबर का कोड कितना आ जाएगा चार क्लियर है <coughs> बाकी बचे हुए साल को तीन पार्ट में डिवाइड करो शताब्दी अलग कर दो बचा हुआ साल अलग कर दो इसमें ईयर कितने होंगे बीस साल में कितने ईयर होंगे बताओ चार साल में एक ईयर होता है बीस साल में कितने आए होंगे चार पंजे बीस पांच ईयर आए होंगे दो हजार का कोड क्या होगा तो हमने कोड याद किया हुआ है शताब्दी का सेंचुरी का सत्रह सौ में अंग्रेज आए थे उन्होंने चार सौ बीसी करी बार। तो दो हजार का कोड हो जाता है छ बचे हुए साल बीस ईयर पांच सबको जोड़कर सात से डिवाइड कर दो रिमाइंडर चाहिए जो संख्या सात का मल्टीपल बनाती है उसको यही हटा देना छह और एक सात हटा दो जोड़ दो बाकी को बीस पांच पच्चीस चार उन्तीस उन्तीस को सात से डिवाइड करोगे सार चौके सात चौके अट्ठाईस रिमाइंडर बचेगा एक यदि रिमाइंडर जीरो आता है तो सैटरडे सनिक्चर माना जाता है एक का मतलब होता है संडे दो का मतलब ट्यूसडे, तीन का मतलब वेडनसडे चार का मतलब थर्सडे पांच का मतलब फ्राइडे <coughs> कुछ तो रह गया सैटरडे संडे मंडे कहाँ गया नाश्ता पानी करके आया करो शाम को दो का मतलब मंडे होगा तीन का हो जाएगा ट्यूसडे, चार का वेडनसडे पांच का थर्सडे और छह का फ्राइडे बस रिमाइंडर आया एक एक का मतलब संडे रविवार ऑप्शन बी सौ प्रतिशत सही आंसर होगा अब चाहे तो आप कैलेंडर में या गूगल करके देख लेना पहले क्वेश्चन को निकाला करो फिर गूगल किया करो पहले गूगल कर लोगे तो वो आदत पड़ जाती है फिर एग्जाम में दिक्कत देती है ऐसी आदत क्वेश्चन नंबर करिए बाईस इस चित्र में टोटल कितने स्क्वायर या वर्ग दिखाई दे रहे हैं हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर टोटल कितने स्क्वायर की संख्या है काउंट करो और बताओ आकृति में टोटल स्क्वायर कितने होंगे वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं संडे बिल्कुल सही आंसर है वेरी गुड छह आंसर सबसे पहले आना स्टार्ट भी हो चुका है पांच भी आ रहा है छह भी आ रहा है मैम सही से नहीं दिख रहा है भैया और कैसे दिखना चाह रहे हो आप हाँ या तो बोलो मैं मंडे से फिर व्हाइट बैकग्राउंड आप लोगों को प्रोवाइड करवा देती हूं अगर आपको है थोड़ा प्रॉब्लम ब्लैक में तो व्हाइट कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें कितने स्क्वायर होंगे एक स्क्वायर ये है एक ये है दो और एक ये बड़े वाला है तीन स्क्वायर सेम सेम, है अंदर बड़े वाला एक और एक नीचे है दो और एक सबसे बड़े वाला स्क्वायर है तीन तीन लाल वाले तीन नीले वाले कुल मिलाकर छह स्क्वायर हो जाएंगे ऑप्शन सी विल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री तेईस आपके स्क्रीन पर बताइए इसका उत्तर कथन है और क्या धारणाएं निकाली जा सकती है कथन के आधार पर आप कौन कौन सी बातें उस कथन से निकाल सकते हो सोच सकते हो इस गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में भी मैं कभी नहीं सुना सॉन्ग इन सच excellent फॉर्म कोई गाना किसी ने गाया और आपको ऐसा लगा कि ऐसा तो इस गाने को तो मैंने इतनी अच्छी आवाज में कभी सुना ही नहीं अब इससे क्या धारणाएं निकलेंगी कुछ अन्य गीत गाए गए थे गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में गा पाना नामुमकिन है क्वेश्चन नंबर तेईस के लिए कौन सी धारणाएं बनाई जा सकती है बताओ इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर तेईस के लिए कौन सी फड़ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर ए आंसर आ रहा है बी भी आंसर आ रहा है केवल पहला केवल दूसरा केवल तीसरा आ जाओ और भी तो हैंडराइटिंग देखी. मतलब देखी हुई है तभी तो बोल रही हूं ठीक है गीत को इतने उत्कृष्ट रूप से गा पाना नामुमकिन है अगर नामुमकिन होता तो वो कैसे गा लेती यहां पर केवल और केवल पहले वाला ही करेक्ट हो जाएगा ओनली फर्स्ट अजम्पन इज राइट कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती ठीक है चाहे वो निष्कर्ष में हो चाहे वो तर्क में हो चाहे वो अजम्पशन में क्वेश्चन नंबर यदि का का रिलेशन रिलेशन चैट से है तो पोर किससे होगा बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है अंग्रेजी में दे रखा है हिंदी में नहीं कोशिश करो अंग्रेजी में करने की अगर हो जाए तो यदि टॉक का रिलेशन चैट से है टॉक का मतलब होता है बातचीत चैटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट मैसेज तो पोर का रिलेशन इनमें से किससे होगा डाउन ड्रॉन ड्रॉप फॉर डिस्पेंस क्वेश्चन नंबर चौबीस के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा करिए जरा इसका आंसर <coughs> <coughs> बताइए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो सकता है करो जरा एक बार जल्दी से ए बी सी डी आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है देखते हैं सही है या नहीं है क्या हो जाएगा यहां पे? तो देखो टॉक का मतलब होता है बातचीत करके कोई काम किया जा रहा है चैटिंग का मतलब होता है टाइप करके कोई काम किया जा रहा है पर दोनों तरीके होते हैं बात करने के टॉक में आप आवाज देकर बात करते हो चैटिंग में टेक्स्ट से करते हो पोर का मतलब होता है कोई चीज डाल देना पोर कर दिया मैंने वॉशिंग मशीन में पाउडर पोर कर दिया चाय में चीनी पोर कर दिया ड्रॉप करने का मतलब भी होता है डालना दोनों का मतलब सेम है बस तरीका अलग है आगे आ जाओ नेक्स्ट फॉल का मतलब गिरना होता है बच्चा फॉल इसका आंसर नहीं हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पच्चीस आपके लिए एज अ होमवर्क है आज के इस सेशन का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है राजेश माधुरी के एक लौते भाई की बहन का बेटा है राजेश का माधुरी के पिता से क्या रिश्ता होगा बना दो रिश्ता चचेरा भाई चाचा पुत्र दादा क्वेश्चन नंबर पच्चीस के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन मैं भी आपको देती हूं एज अ होमवर्क बताना आंसर क्या करोगे जल्दी करके देना कोशिश करना कॉपी का इस्तेमाल ना करो मतलब पेन या कॉपी का इस्तेमाल ना करो आंखों ही आंखों में भस्म कर दो क्वेश्चन को आपको बताना है कि इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल या आयत की संख्या कितनी होगी उ मेनी रेक्टेंगल आर दियर इन द गि फिगर ये दोनों क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क रहने वाले हैं मंडे में आप लोगों की मैं क्लास लेकर आ रही हूँ आज सुबह भी आपने नौ बजे वाली क्लास देखी होगी लेटर सीरीज उसमें बहुत अच्छे से समझाई थी देख लेना जिसने नहीं देखी है मंडे मतलब छह नवंबर को भी आपकी सुबह नौ बजे मैराथन आ रही है इसमें मैं टॉप हंड्रेड क्वेश्चन कवर करवाने वाली हूँ रीजनिंग के देख लीजिएगा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी मंडे में होगी पर ठीक है तो आशा है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा बाकी आप लोगों को एस एस की टाइमिंग पता है शुरुआत होती है शाम छह बजे रीजनिंग की क्लास जो मैं आपकी लेती हूँ फिर सात बजे आपकी क्लास होती है भूटानी सर की अभिषेक सर की हिंदी की अभी जो होगी आप सभी उसमें जरूर जाइएगा फिर आठ बजे विनीश सर की जबरदस्त जीके जीएस वाली क्लास होती है बेहतरीन उसको जरूर कवर करना और नौ बजे विपुल सर की क्लास होती है मैथ्स की चुनिंदा क्वेश्चन के साथ तो मिलते हैं बच्चा हम लोग फिर अपने टाइमिंग पे तब तक ले हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए अपना अपने घवालों का ख्याल रखिए जिन बच्चों ने ऐसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरे नॉर्थन रीजन वालों का स्टेटस आ चुका है एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लीजिए कौन सी तारीख को कौन सी शिफ्ट में कौन सी जगह आपका एग्जाम है एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के चार दिन पहले ही डाउनलोड होंगे ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद जय भारत